ये दिवाली आ रही है और हम सभी चाहते हैं कि घर में प्रसाद हम अपने हाथ से बना करके चढ़ाएं, और दिवाली में तो लड्डू सबसे ज़्यादा चढ़ते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल इजी तरीके से मोतीचूर के लड्डू। नमस्कार, होम कुक माही में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मोतीचूर के लड्डू, वो भी बिल्कुल इजी तरीके से। तो चलिए हम आज के मजेदार मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी को शुरू करते हैं। आज हम मोतीचूर के लड्डू जो है हमारे, उन्हें हम चने की दाल से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कप जितनी चने की दाल सारी रात के लिए सोख करके रख दिया था और ये बहुत अच्छे तरीके से फुलकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पर मैंने चने की दाल को वॉश करके और एक ग्राइंडिंग जार में ले लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप जितना पानी। इतना ही पानी हमें डालना है जितने में दाल हमारा जो है वो बिल्कुल आराम से पिस जाए, और बस इसका ढक्कन लगा करके हमें इसे बिल्कुल बारीक पीस करके ले लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारी दाल जो है वो हमने पीस ली है, ये बिल्कुल बढ़िया और बारीक पीस करके तैयार हुई है। देखिए मैंने ऐसा बिल्कुल पीस करके लिया है। अब यहाँ पर हम एक बोल लेंगे और उसमें ये सारी दाल हमारी जो थी वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं दाल निकाल लेती हूँ सारी, और बस अब हमें इसे अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए हाथ से फेंट करके लेना है ताकि हमारी दाल जो है वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे 2 से 3 मिनट तक टोटल फेंट करके ली हूँ और यहाँ हमारी दाल अब बिल्कुल तैयार है। तो अब हम गैस ऑन करके यहाँ मैंने कढ़ाई में घी गर्म होने को चढ़ा दिया है। तो यहाँ पर मैं लड्डू बनाने के लिए घी का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें पीनट ऑयल या फिर दूसरा भी कोई रिफाइंड ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। बस इसके बाद इसमें ये सारी दाल जो थी हमारी वो हम ऐसे पकौड़ियों की तरह डाल डाल करके उन्हें तल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें डाल दिया और बस अब हम इसे लाल होने तक पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितने बढ़िया तरीके से फूल फूल करके हमारी पकौड़ियाँ बनी हैं। तो इसी तरह से हमें दाल को तल करके लेना है। तो ये हमारी जो पकौड़ियाँ थी वो तल कर तैयार हो गई, तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ और बस सेम प्रोसेस से हम नेक्स्ट बैच भी तल लेंगे। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई में सारे ऐसे ही पकौड़ियों की तरह डाल दूँगी उन्हें। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे दाल की पकौड़ियाँ जो थी हमारी तल करके तैयार कर ली। अब हम इन्हें ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर लगभग 4 से 5 मिनट हमने इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया था और ये देखिए ठंडी होकर तैयार हो गई हैं। तो अब हम ब्लेंडिंग जार में 1 की पकौड़ियाँ ऐसे ऐड करेंगे और हमें इनका पाउडर बना करके लेना है। तो यहाँ पर मैं इसका ढक्कन लगा करके पाउडर बना लेती हूँ। तो यहाँ देखिए सारी पकौड़ियों के हमने पाउडर बना करके तैयार कर लिए हैं। अब हम इसके लिए चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ गैस ऑन करके हमने एक बड़ा बर्तन चढ़ा दिया है, उसमें हमने ऐड किया है 1 कप और 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी, और उसके साथ ही हमने ऐड किया उसमें 1/2 कप जितना पानी, और बस इसे हम लगातार चलाते हुए हमें इसके लिए 2 तार की चाशनी बना करके तैयार करनी है। तो आप तब तक इसे चलाते रहें जब तक चीनी जो है वो बढ़िया तरीके से घुल ना जाए। तो यहाँ पर देखिए हमारी चीनी जो थी वो बढ़िया तरीके से घुल गई है। अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ ऑरेंज फूड कलर। तो आपको जिस भी कलर का लड्डू रखना है आप उस तरह से उसमें उतना फूड कलर ऐड कर दें। अगर आपको थोड़ा लाइट चाहिए तो आप इसमें फूड कलर की जो मात्रा है वो कम रखें, और अगर ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें फूड कलर की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा दें। और इसके साथ ही एक अच्छा फ्लेवर है इसके लिए मैंने ऐड किया इसमें इलायची पाउडर, और बस अब इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर देखिए हमारा 2 तार बन रहा है, तो हमारी चाशनी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार है। तो अब यहाँ हमने जो पकौड़ियों को पीस करके पाउडर बनाया था वो सारा इसमें हम ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं सारा इसमें डाल देती हूँ, और डालने के बाद हमें इसे तुरंत ही मिक्स करना शुरू कर देना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सारा ऐड करूँगी, और बस बिल्कुल गैस का फ्लेम हमने यहाँ पर लो ही रखा है और इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे लड्डू का मिक्सचर है वो ऑलमोस्ट बन करके तैयार हो गया है।
हमें ऐसे ही लो फ्लेम पे इसे 1 से 2 मिनट तक पकाना है। तो यहाँ पर देखिए कि अभी जितना गीला है बस इतना ही हमें रखना है, इससे ज़्यादा हमें इसे ड्राई नहीं करना है। अब हम तुरंत ही गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं एक प्लेट में इसे सारा निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे मिक्सचर निकाल लिए, इन्हें एक बार ऐसे ही हम मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा है गीली, ऐसे ही आप रखें, बिल्कुल ड्राई ना करें। तो मैंने उन्हें ढक करके 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। 5 मिनट के बाद यहाँ पर हम हटाएंगे इसका ढक्कन। तो इसे ढक कर के ही छोड़ें, खुला ना छोड़ें, वरना ये ड्राई हो जाएगा। और ऊपर से यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ खरबूज के बीज। तो आप चाहें तो खरबूज के बीज ऐड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। और बस इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे एक बार, जब तक खरबूज के बीज जो है वो पूरे मिक्सचर में इक्वली मिल नहीं जाते। और अब हम इसका एक छोटा पार्ट उठाएंगे और इसका लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो आपको जितना भी बड़ा लड्डू बनाना हो इस हिसाब से आप एक पार्ट उठाएं और बस उसे गोल गोल कर लें। तो यहाँ पर देखिए एक लड्डू जो है हमारा वो बनकर तैयार है। मैं इसे रख लेती हूँ और बस सेम प्रोसेस से हम बाकी के सारे लड्डू जो थे हमारे उन्हें भी बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए। चलिए हम इन्हें सर्व करते हैं। और बस ये देखिए हमारे सुपर टेस्टी मोतीचूर के लड्डू बनकर तैयार हैं। बहुत ही झटपट ये बनकर तैयार होते हैं। इजी कितना ज़्यादा है बनाना इन्हें देख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि कितना चीनी लेना है, कितना पानी लेना है, कितना बूंदी लेना है। बिल्कुल आराम से ये बनकर तैयार हो जाता है बिना किसी झंझट के। आप किसी के हेल्प के बिना भी अकेले इसे बहुत ही फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी झंझट नहीं है, बहुत ही बढ़िया तरीके से बनता है ये। और खाने में तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। तो आप इस तरह से मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नए अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ, हमें ये बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि हमें आपके लिए अगली रेसिपी कौन सी ले आनी है। साथ ही हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और मैंने पहले भी दिवाली के लिए कई सारी मिठाई और स्नैक्स की रेसिपी दे रखी है। अगर आपको चाहिए तो मैं उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। थैंक यू।